प्यारे दोस्तों नमस्कार। बेसिक कंप्यूटर कोर्स की इस श्रृंखला में मैं संदीप एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका करियर प्लैनेट की ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आज हम एक इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग सॉफ्टवेयर को सीखने वाले हैं जिसका नाम है MS Paint। जी हाँ दोस्तों, जितनी भी बेसिक ड्राइंग्स होती हैं उन्हें आप माइक्रोसॉफ्ट पेंट सॉफ्टवेयर में इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कर लीजिए। आइए शुरुआत करते हैं। जब हम कंप्यूटर सीखने की शुरुआत करते हैं तो हमें माउस चलाना भी आना चाहिए, और शुरुआत में माउस चलाने में काफ़ी दिक्कत होती है। लेफ़्ट बटन कैसे क्लिक करना है, राइट बटन कैसे क्लिक करना है, माउस का मूवमेंट किस तरह से होता है, इन सारी समस्याओं का हल है कि आप माइक्रोसॉफ्ट पेंट सॉफ्टवेयर को अच्छे से सीख लीजिए। इससे आपके माउस ऑपरेशंस बहुत आसान हो जाएंगे, आप आसानी से माउस चला पाएंगे। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट पेंट एप्लीकेशन केवल छोटे बच्चों के लिए ही उपयोगी नहीं है, ये सभी बिगनर्स के लिए काफ़ी उपयोगी है। पेंट एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए आप टास्क बार में सर्च बॉक्स में पेंट टाइप कीजिएगा और एंटर प्रेस कर दीजिएगा। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे माइक्रोसॉफ्ट पेंट सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा, या फिर आप स्टार्ट मेनू पर क्लिक कीजिएगा ऑल एप्स और स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे की तरफ आपको जाना है विंडोज एसेसरीज सेक्शन में। यहाँ आपको पेंट एप्लीकेशन दिखाई देगी, यहाँ से भी आप सॉफ्टवेयर को ओपन कर सकते हैं, या फिर आप इस सॉफ्टवेयर का शॉर्टकट डेस्कटॉप पर बना सकते हैं। उसके लिए भी आपको स्टार्ट मेनू पर जाना है, स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आइएगा, विंडोज एसेसरीज और पेंट सॉफ्टवेयर को ड्रैग करते हुए डेस्कटॉप स्क्रीन पर ड्रॉप कर दीजिएगा। देखिए इस तरह से आप इस एप्लीकेशन का शॉर्टकट बना सकते हैं और डबल क्लिक से इसे आसानी से ओपन कर सकते हैं। दोस्तों पेंट ब्रश में हमें बेसिक ड्राइंग टूल्स होम टैब में मिलते हैं, और इन टूल्स के माध्यम से हम इस कैनवास पर कोई भी शेप ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन जब हम सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करते हैं तो कई बार हमारे स्क्रीन पर इस तरह से कैनवास छोटी साइज का आपको दिखाई देगा, तो उसके लिए आपको साइड में साइज हैंडलर्स दिखाई दे रहे हैं। यहाँ आप इस कैनवास के साइज को छोटा या बड़ा कर सकते हैं, इस तरह से ड्रैग करेंगे तो आप कैनवास को बड़ा कर पाएंगे। अब सबसे पहला जो ड्राइंग टूल है वो है पेंसिल। ये एक बेसिक टूल है और इस पेंसिल के थ्रू आप यहाँ पर कोई भी शेप ड्रॉ कर पाएंगे। पेंसिल के साथ यदि आप कलर्स यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ कलर वन और कलर टू इस तरह से दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। कलर वन हमारे फोरग्राउंड कलर को शो करता है। इस बॉक्स में जो भी कलर होगा उसका यूज आप पेंसिल के साथ, ब्रशेस के साथ और किसी भी शेप की आउटलाइन के लिए कर सकते हैं। इसी तरह से पास में कलर टू लिखा हुआ है, ये एक बैकग्राउंड कलर के लिए है। आप इसमें जो भी कलर फिल करेंगे वो किसी भी शेप में बैकग्राउंड फिल करने के लिए यूज होगा, और इस कलर टू से हम बैकग्राउंड तो फिल करेंगे साथ में इरेजर का कलर भी कलर टू के माध्यम से ही सेलेक्ट किया जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले कलर चेंज करने के लिए आप कोई सा भी कलर यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, कलर वन में कलर फिल हो जाएगा और अब आप ड्रॉ करेंगे तो उसी कलर का लाइन आपको ड्रॉ होते हुए दिखाई देगी। जब हम पेंसिल की बात कर रहे हैं तो पेंसिल के अलग अलग स्ट्रोक्स हो सकते हैं। बेसिक अभी ऑलरेडी सेलेक्टेड था ब्रश, उसी के पास में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको अलग अलग पेंसिल स्ट्रोक्स दिखाई दे रहे हैं। सेकेंड जो है वो कैलीग्राफिक ब्रश है, आप इस तरह से कैलीग्राफिक मोड में ड्रॉ भी कर सकते हैं और कुछ लिखना चाहें तो आप लिख भी सकते हैं। यदि आप इन लाइंस की थिकनेस को बढ़ाना चाहें तो लाइंस की थिकनेस यहाँ दी गई है, उसके थ्रू आप लाइन की थिकनेस को चेंज कर सकते हैं। आप मोटी लाइन छोटी लाइन जिस तरह से बनाना चाहें उस तरह से यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर आप निब की साइज को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल और प्लस प्रेस करेंगे तो निब साइज थोड़ी सी थिक हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, मोटी हो जाएगी। इन लाइंस को इरेज करने के लिए हमें पेंसिल के नीचे ही इरेजर टूल मिलता है। इस इरेजर टूल से हम अपनी लाइंस को या जो भी ड्रॉ आपने कैनवास पर किया है उसे इरेज कर सकते हैं, मिटा सकते हैं। अब इस इरेजर का पॉइंट भी काफ़ी छोटा आ रहा है, उसे भी इंक्रीज करने के लिए बढ़ाने के लिए आपको कंट्रोल के साथ प्लस की प्रेस करनी है, तो आप देखेंगे कि इरेजर अब हमारा थोड़ा सा बड़ा हो गया है। और माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करते हुए आप इसे मूव करेंगे तो जहाँ जहाँ आपने ड्रॉ किया है वो इरेज होने लगेगा। अगर आपने माउस को केवल सिंपल इस तरह से मूव किया है तो यहाँ पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। आपको इरेज करने के लिए माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करते हुए फिर इसे मूव करना है तो आपकी जो ड्राइंग है वो इरेज होने लगेगी। दोस्तों इसी तरह से आपको अलग अलग यहाँ पर ब्रश के टाइप्स दिए गए हैं, कैलीग्राफी ब्रश, एयर ब्रश, जिससे आप यहाँ पर
कलर कर सकते हैं, और सबके साथ आपको ब्रश साइज बढ़ाने के लिए, ब्रश की निब बढ़ाने के लिए कंट्रोल और प्लस को प्रेस करना है। आप देखेंगे कि देखिए कलर जब चाहे आप चेंज कर लीजिएगा, और आप जब ड्रॉ करेंगे तो एयर ब्रश अपना काम कर रहा है, और इस तरह से आप एयर ब्रश को यूज करते हुए कलर कर सकते हैं। अगला जो ऑप्शन है ऑयल ब्रश, आप ऑयल ब्रश में इस तरह से इफेक्ट ला सकते हैं। नॉर्मल पेंसिल, यहाँ पर आपको मार्कर मिलेगा, यहाँ पर आपको क्रियोन कलर मिलेंगे। आपने जो क्रियोन कलर्स यूज किए थे, मोम कलर यूज करते हैं, वो कुछ इस तरह से यहाँ पर ड्रॉ होंगे। आप जब चाहें तब कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जिस कलर का आप यूज करना चाहें वो कलर यहाँ से आप ले सकते हैं। और लास्ट में आपको मिलेगा वाटर कलर ब्रश, आप वाटर कलर ब्रश का यूज करते हुए इस तरह से कलर फिल कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। जब भी आप इन्हें इरेज करना चाहें तो इरेजर का यूज कीजिएगा, और आप अपनी ड्राइंग को इरेज कर सकते हैं। यदि आप इन्हें इरेज नहीं करना चाहें, फिर से नया कैनवास लेना चाहते हैं, नया पेज लेना चाहते हैं, तो फाइल मेनू में आपको न्यू पर क्लिक करना है। सॉफ्टवेयर आपसे इस ड्राइंग को सेव करने के लिए पूछेगा, अभी आपको सेव नहीं करना है, तो डोंट सेव पर क्लिक कीजिएगा। फिर से एक नया फ्रेश पेज आपको मिल गया है, कैनवास मिल गया है, यहाँ आप फिर से ड्रॉ कर सकते हैं। दोस्तों अगला जो टूल है वो फिल कलर टूल है। इसके थ्रू हम किसी भी शेप में बैकग्राउंड में कलर फिल कर सकते हैं। मान लीजिए आपको कोई शेप ड्रॉ करना है, तो किसी भी शेप पर आप क्लिक कीजिए, माउस के लेफ्ट बटन को होल्ड करते हुए आपको अपने कैनवास पर वो शेप ड्रॉ कर देना है। उसके बाद अभी आपने देखा होगा जो भी कलर आपने कलर वन बॉक्स में सेलेक्ट किया होगा, उस कलर का आउटलाइन आ चुका है। यहाँ आप अभी आउटलाइन चेंज करना चाहें तो उस कलर को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर बॉक्स वन में वो कलर चेंज भी हो गया है, और साथ में हमारे शेप की आउटलाइन भी चेंज हुई है। इसी तरह से यदि आप कलर टू का यूज करते हुए इस शेप में कोई कलर फिल करना चाहते हैं, तो आप उस कलर को सेलेक्ट कीजिएगा और फिल कलर टूल का यूज करते हुए इसमें कलर फिल कर सकते हैं। पर अभी आपने देखा होगा कि मैंने जैसे क्लिक किया, ऑटोमेटिकली जो आउटलाइन कलर है वो अंदर फिल हो गया। दोस्तों बैकग्राउंड कलर को फिल करने के दो मेथड हैं। आप बकेट को क्लिक कीजिए, कलर को सेलेक्ट कीजिए, और आप बैकग्राउंड कलर को फिल करने के लिए माउस का राइट बटन आपको क्लिक करना है। इसी तरह से यदि आप लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे तो फोरग्राउंड कलर बैकग्राउंड के रूप में फिल हो जाएगा, और राइट बटन क्लिक करेंगे तो कलर टू इसके अंदर बैकग्राउंड के रूप में फिल हो जाएगा। फिर से हम एक और कोई शेप बना लेते हैं। अभी हमारा कलर वन आउटलाइन में आ गया है, और यदि मैं कलर टू यहाँ पर बैकग्राउंड में फिल करना चाहता हूँ, तो सिंपल आपको फिल कलर टूल को सेलेक्ट करना है और राइट बटन माउस का क्लिक करना है। तो इस तरह से आप बैकग्राउंड और आउटलाइन कलर्स को यूज कर सकते हैं। इसी के साथ जब हम कोई भी शेप यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, तो शेप के साथ आउटलाइन का स्टाइल बदल सकते हैं। आप किस तरह से आउटलाइन को सेट करना चाहते हैं, क्रियोन, मार्कर, ऑयल, नेचुरल पेंसिल और वाटर कलर, तो आप यहां से भी चेंज कर सकते हैं, या आउटलाइन हटाने के लिए आप नो आउटलाइन का यूज कर सकते हैं। इस तरह से फिल के अंदर भी, फिल कलर में आप सॉलिड कलर, क्रियोन, मार्कर, ऑयल, किस तरह का बैकग्राउंड कलर लाना चाहते हैं वो आप यहां से शेप के साथ ही यूज कर सकते हैं। अगला जो ऑप्शन है वो है टेक्स्ट। आप किसी भी टेक्स्ट को कैनवास पर टाइप कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर कैरियर प्लैनेट लिखना चाहता हूँ, तो वो आप इस तरह से टाइप कर सकते हैं। जैसे ही आप टेक्स्ट सेलेक्ट करते हैं, तो टेक्स्ट के साथ आपको टेक्स्ट से जुड़े हुए सारे ऑप्शंस ऊपर दिखाई देते हैं। आप टेक्स्ट को सेलेक्ट कीजिएगा, और यहाँ से टेक्स्ट की साइज को आप बड़ा कर सकते हैं। जैसे हमने टेक्स्ट साइज बड़ा किया, अब हमें अपना टेक्स्ट दिखाई नहीं दे रहा है। टेक्स्ट बॉक्स के साइड में आपको साइज हैंडलर्स दिखाई देंगे, यहाँ से आप इसे बड़ा करेंगे तो आपने जो भी टेक्स्ट लिखा है वो आपको दिखाई देगा। दोस्तों इसी के साथ हमें दो ऑप्शन और यहाँ पर मिलते हैं, एक ट्रांसपेरेंट, दूसरा ऑब्क्यू। अगर आप ऑब्क्यू पे क्लिक करेंगे तो जो बैकग्राउंड कलर कलर टू में आपने सेलेक्ट किया था वो इस टेक्स्ट के बैकग्राउंड में भी आ जाएगा, और यदि आप ट्रांसपेरेंट रखेंगे तो वाइट कलर जो कैनवास का कलर है वो ही आपको दिखाई देगा, और आपका टेक्स्ट बड़े ही सुंदर ढंग से आप यहाँ पर दिख पाएंगे। इस तरह से आप अपने टेक्स्ट का मूवमेंट कर सकते हैं, किसी भी जगह पर टेक्स्ट को रख सकते हैं। उसके लिए आपको इस टेक्स्ट बॉक्स को बॉर्डर पर अपने माउस को ले जाना है। माउस में आपको चार एरो हेड्स दिखाई देंगे, और माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करते हुए, होल्ड करते हुए आप जब इसका मूवमेंट करेंगे तो आप किसी भी पोजीशन पर इसको रख पाएंगे। इस तरह से आप टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हुए बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन और स्ट्राइक थ्रू, इन सारे ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं। इस टेक्स्ट को आप कट करते हुए किसी और जगह पर रख सकते हैं, कॉपी करते हुए इसका डुप्लीकेट टेक्स्ट भी बना सकते हैं। और दोस्तों जैसा कि आपको पता है, आपने नोटपैड और वर्डपैड की क्लास में सीखा था
कि आपको कट और कॉपी के साथ पेस्ट का यूज करना होता है। आइए फिर से चलते हैं होम टैब में। अब होम टैब में ही हमें पिक कलर मिलता है। कलर पिकर, आप एक शेप के कलर को दूसरे शेप में फिल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर कोई कलर फिल कर रखा है, अब इस कलर को हम पिक करते हुए इस शेप में फिल करना चाहते हैं, तो आप कलर पिकर यूज कीजिए। कलर पिकर से कलर पिक हो गया, वो कलर अब हमारी बकेट में आ चुका है, फिल कलर में आ चुका है, और यहाँ से आप उस कलर को फिल कर सकते हैं। सिंपल आपको माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करते हुए कलर पिक करना है और फिल करना है। अगला जो टूल है वो मैग्नीफायर टूल है। यदि आप मैग्नीफाई करना चाहते हैं किसी डिजाइन को, किसी ड्राइंग को बड़ा करना चाहते हैं, जूम करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैग्नीफायर टूल आप एक बार लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे तो डिजाइन उसका जूम बड़ा हो जाएगा, और जब आप राइट बटन क्लिक करेंगे तो फिर से वो जूम आउट हो जाएगा। यानी जूम इन करने के लिए आपको लेफ्ट बटन क्लिक करना है और जूम आउट करने के लिए आपको राइट बटन क्लिक करना है। दोस्तों इसी तरह से आगे इमेज के साथ काम करने के लिए हमें अलग अलग टूल मिलते हैं। यहाँ पर किसी भी ड्राइंग को सेलेक्ट करने के लिए आपको सेलेक्ट में जाना है, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन, आप यहाँ से सेलेक्ट कीजिएगा इस तरह से रेक्टेंगुलर फॉर्मेट पे। ये डिजाइन आप सेलेक्ट हो गई है, सेलेक्ट होने के बाद आप किसी भी जगह पर इसे रख सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं इसका। इसी के नीचे आपको फ्री फॉर्म सिलेक्शन मिलता है। फ्री फॉर्म मीन्स आप ड्रॉ करते जाइए इस तरह से, कैसे भी फ्री फॉर्म ड्रॉ कर दीजिए। जो आपने अभी फिगर बनाया था उसी फिगर में ये पूरे डिजाइन सेलेक्ट हो जाएगी, जिसे आप माउस के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं। यहाँ पर सिलेक्शन में आपको अलग अलग ऑप्शन मिल रहे हैं, सेलेक्ट ऑल, सारे डिजाइन एक साथ सेलेक्ट हो गई हैं। अब आप इस पूरी डिजाइन को एक साथ मूव कर सकते हैं, हिला सकते हैं। आपको क्रॉप टूल मिलता है। जैसे मान लीजिए आपने ये कोई डिजाइन इस तरह सेलेक्ट की है, अब जब आप क्रॉप टूल का यूज करना चाहते हैं, क्रॉप का मतलब कटिंग करना, तो जैसे ही आप क्रॉप टूल पर क्लिक करेंगे तो जो पार्ट आपने सेलेक्ट किया था केवल वह रहेगा, और उसके अलावा जितना भी पार्ट था वो सारा डिलीट हो जाएगा, हट जाएगा। यदि आप फिर से अपनी पूरी ड्राइंग को वापस लाना चाहते हैं तो कंट्रोल जेड अंडू का आप यूज कीजिएगा। यहाँ से अंडू बटन दे रखा है, इसके थ्रू आप फिर से डिजाइन ला सकते हैं। जब आप किसी डिजाइन को इरेज करने के लिए जाते हैं तो जो इरेजर टूल है उसमें भी आप कलर अभी देख रहे होंगे, वही कलर आ रहा है जो कलर टू में बैकग्राउंड कलर है। तो दोस्तों यहाँ पर इरेजर टूल यूज करते समय आपको कलर टू को सेलेक्ट करना है, उसमें व्हाइट कलर फिल कर लेना है, और उसके बाद जब आप इरेज करेंगे तो परफेक्टली ड्राइंग इरेज होते हुए दिखाई देगी, और यहाँ पर कलर भी कैनवास का ही आपको मिलने वाला है। यदि आप किसी डिजाइन को रिसाइज करना चाहें तो उस डिजाइन को पहले आप सेलेक्ट कीजिएगा। जैसे मान लीजिए ये हमारी कोई डिजाइन है, इसे हम रिसाइज करना चाहते हैं। यहाँ रिसाइज से मतलब है आप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल उसे बढ़ाना चाहते हैं, तो आप यहाँ नंबर्स परसेंटेज वाइज या पिक्सल वाइज यूज कर सकते हैं। आप देखिएगा ये सर्कल हमारा थोड़ा बड़ा हो गया है। इस तरह से एस्क्यू, एस्क्यू में आप पर्टिकुलर किसी डिग्री पर इसे मूव कर सकते हैं। अब यहाँ पर सर्कल में वो दिखाई नहीं देगा, तो हम यहाँ पर इस तरह से एक कॉल आउट ले लेते हैं और इसे सेलेक्ट करते हुए हम इसे एस्क्यू करते हैं, रोटेट करते हैं। आपको यहाँ पर भी डिग्री वाइज ही रोटेट करना होता है। मैंने 50 यहाँ लिख दिया और ओके कर दिया, तो आप देखेंगे इस तरह से ये एस्क्यू हो जाएगा। रोटेट में आप 90 डिग्री रोटेट कर सकते हैं, लेफ्ट में रोटेट कर सकते हैं, राइट में रोटेट कर सकते हैं, 180 डिग्री रोटेट कर सकते हैं, तो यहाँ सारे रोटेशन के आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। अब बात करते हैं व्यू टैब की। व्यू टैब में आप जूम इन जूम आउट मिलता है आपको। जूम इन करेंगे तो साइज आपकी बड़ी हो जाएगी, जूम आउट से आप वापस नॉर्मल साइज में आ सकते हैं। नॉर्मल साइज के लिए आप 100% यूज कर सकते हैं। पेंट ब्रश में भी आप रूलर्स को शो कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं, ग्रिड लाइंस ला सकते हैं। इस तरह से स्टेटस बार, नीचे आपको बॉटम में स्टेटस बार दिखाई दे रही है, इसे आप शो हाइट व्यू टैब से कर सकते हैं। फुल स्क्रीन, आप पूरी ड्राइंग को अपनी पूरी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और फिर से नॉर्मल स्क्रीन पर जाने के लिए आपको या तो माउस से क्लिक करना है या कीबोर्ड से एस्केप की प्रेस करनी है। तो दोस्तों ये सारे ऑप्शन थे जिनका हमने यूज किया है। इस तरह से एक इम्पोर्टेंट ऑप्शन और होता है जो काफी इंटरेस्टिंग है, वो हमें मिलेगा फाइल मेनू में। यदि आप कोई भी डिजाइन डेस्कटॉप पर सेट करना चाहते हैं, जो आपने डिजाइन बनाई है उसे आप डेस्कटॉप पर लाना चाहते हैं, तो आपको फाइल मेनू में सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड ये ऑप्शन मिलेगा, आप जस्ट इसे क्लिक करेंगे। लेकिन इस ऑप्शन को यूज करने से पहले आपको अपनी फाइल को सेव करना जरूरी है, और यदि आप डायरेक्टली इसे यूज करेंगे तो आप यहाँ देख रहे हैं एक मैसेज आ चुका है, यू मस्ट सेव द फाइल बिफोर चूजिंग इट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड। यानी हमें पहले इसे सेव करना होगा, उसके बाद ही हम डेस्कटॉप बैकग्राउंड की तरह इस डिजाइन को यूज कर सकते हैं। जैसे ही आप सेव बटन पर क्लिक करेंगे तो पेंट ब्रश में बनाई गई
ड्राइंग्स को हम अलग अलग फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं, पीएनजी फॉर्मेट, टिफ फॉर्मेट, जिप फॉर्मेट, जेपीईजी फॉर्मेट और बिटमैप इमेज बीएमपी फॉर्मेट। तो जो भी फॉर्मेट आपको उपयुक्त लगता हो उसके अनुसार आप यहाँ पर फाइल को सेव कर सकते हैं। मान लीजिए हम पीएनजी फॉर्मेट में से सेव करना चाहते हैं, कोई भी नाम आप यहाँ पर टाइप कर दीजिएगा इमेज का और सेव बटन पर क्लिक करने से ये इमेज सेव हो जाएगी और उसके बाद आपको सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड उस ऑप्शन का यूज करना है। ऑटोमेटिकली हमने जो डिजाइन बनाई थी वो डेस्कटॉप पर सेट हो जाएगी। यही नहीं दोस्तों, आप किसी भी पिक्चर पर कोई भी ड्राइंग कर सकते हैं, कोई भी टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं, उसे भी डेस्कटॉप बैकग्राउंड की तरह यूज कर सकते हैं। उसके लिए आपके सिस्टम में जो भी फोटोग्राफ रखा हुआ है उसे आप फाइल मेनू में जाइएगा, ओपन में जाइएगा और जहां वो फोटोग्राफ रखा हुआ है उस फोटोग्राफ को एक बार ओपन कर लीजिएगा। जैसे मैंने यहाँ पर डेस्कटॉप नाम से एक फोटोग्राफ सेव किया हुआ है और मैं इस फोटोग्राफ पर यहाँ टेक्स्ट टाइप करते हुए उसे डेस्कटॉप बैकग्राउंड की तरह यूज करने वाला हूँ। तो उसके लिए मैं टेक्स्ट पर जाऊंगा, टेक्स्ट टूल को यूज करूंगा और यहाँ मैं टाइप करना चाहता हूँ कैरियर प्लैनेट, लेकिन वो टेक्स्ट में व्हाइट कलर में टाइप करना चाहता हूँ। तो पहले कलर वन में मैंने व्हाइट कलर ले लिया है, देन कैरियर प्लैनेट टाइप कर दिया है। आप इस टेक्स्ट की साइज को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं और टेक्स्ट बॉक्स को बड़ा करते हुए उस टेक्स्ट को पूरा यहाँ से देख सकते हैं, सेट कर सकते हैं, उसे किसी भी पोजिशन पर सेट कर सकते हैं। ये सारा कुछ करने के बाद आपको यदि इसे डेस्कटॉप बैकग्राउंड की तरह यूज करना है तो पहले आप उसे सेव कीजिएगा, सेव करने के बाद ही वो डेस्कटॉप बैकग्राउंड की तरह यूज हो पाएगा। तो यहाँ पे भी हमें तीन ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पहला ऑप्शन मिलेगा आपको फील, जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो फील ऑप्शन में डेस्कटॉप पर बैकग्राउंड सेट होगा और पूरे स्क्रीन पर वो बैकग्राउंड आपको देखने को मिलेगा। इसी तरह से दूसरा ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेगा टाइल। दोस्तों यदि आपकी ये फोटोग्राफ इमेज छोटी है तो वो टाइल्स के रूप में छोटे छोटे रूप में आपको पूरी स्क्रीन पर दिखाई देगी। अभी हमारी इमेज काफ़ी बड़ी है, यदि हम इसे छोटा कर देंगे और उसके बाद इसे टाइल के रूप में सेट करेंगे तो पहले आपको इसे सेव करना होगा और उसके बाद आप टाइल्स के रूप में देखेंगे तो वो पूरी इमेज पूरी स्क्रीन पर टाइल के फॉर्मेट में आपको दिखाई देगी। देखिए ये अलग अलग टाइल्स में अलग अलग पार्ट्स में आपको डेस्कटॉप स्क्रीन पर सेट होती हुई नजर आएगी। अगला जो ऑप्शन है उसमें आपको मिलेगा सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड सेंटर। जो हमारी इमेज है यदि वो छोटी है तो वो सेंटर में भी डेस्कटॉप के सेंटर में भी सेट हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से आप माइक्रोसॉफ्ट पेंट ब्रश का यूज करते हुए सिंपल ड्रॉइंग्स को बना सकते हैं। दोस्तों यदि आज का हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो, उपयोगी लगा हो, ज्ञानवर्धक लगा हो तो आप इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।